गेंजो डिस्ट्रिक्ट इफ़ हुरे थरे केन्दुझर जिला बडबिल पई मेडल जीति सुनाम आणिले बडबिल अभिषेक गुप्तांक टीम ओडिशा ओलंपिक द्वारा झारसुगुड़ा ठारे राज्यस्तरीय सीनियर पंचक सिलर चैंपियनशिप मे 6 तारीख अनुष्ठित होइतला। एथिरे राज्य कोण अनुकोणर खेलाड़ी माने भाग नहीं से भितर केन्दुझर जिला बडबिल अभिषेक गुप्तांक टीम भाग नेबा सहित खूब भल प्रदर्शन करथिला। दुईटे गोल्ड दुईटे सिल्वर पदक जीतिक केन्दुझर जिला तथा बडबिल अंचल सुनाम आनी देखु ए रिपोर्ट रु उर्वशी कुमारी पान कहाँ पे खेलने गए थे झारसुगुड़ा क्या खेलने गए थे पंचक सिलाट स्टेट चैंपियनशिप क्या जीत के आए हैं गोल्ड मेडल क्या सोचे हैं अभी तो हम भुवनेश्वर किड्स कॉलेज में नेशनल गेम्स जो होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और मैं अपने तरफ से फुल कोशिश करूंगी कि मैं गोल्ड मेडल लाऊं और मैं अपने कोच अभिषेक सर को धन्यवाद देना चाहती हूं कि वो मुझे इतना अच्छा मौका दिए और आगे चल के उड़ीसा का नाम भी रोशन करूं और अपने देश का नाम रोशन करूं। मो नाम है कार्तिक बहादुर और मु बडबिल वासिंदा कोड़ी खेले हो जाई थलो हमें 7th ओडिशा स्टेट पंचक सिलाट चैंपियनशिप खेलवा को जाई थलो झारसुगुड़ा को कौन जीतल मु सिल्वर मेडल अचीव करछि कौन रही कि आगु को प्लान आगु को हमें ओडिशा ये हम ओडिशा रे जो टूर्नामेंट चली टूर्नामेंट हबो नेशनल भुवनेश्वर किड यूनिवर्सिटी रे सेठी हमें सिलेक्शन हिचु केशव चंद्र बेहरा कोट रुवंती मु बडबिल बासिंदा आ कोट खेले जेतले बे हमें जाइतलु झारसुगुड़ा 7th स्टेट पंचक सिलेक्ट चैंपियनशिप खेलबा पई से मु चारिटा फाइट करी आमर सिल्वर मेडल आसीचे आगे कौन प्लान अच्छे आगे एब तो आम नेशनल सिलेक्ट होटा आम किट यूनिवर्सिटी अच्छे गेम आगामी मस रहा कि गोटे मस पर ही होने खेलू आत आशा करशा नहीं मो भरसा अच्छे से कि मुझे निश्चय गोल्ड मेडल अचीव करी आमर कोच जी हूँ अभिषेक कुमार गुप्ता सर ताको बहुत बहुत धन्यवाद देवी जे से आमको एतकी चांस दे छथि कि आकु खेलबा पई तांकर बहुत बहुत आभारी रहू छी मु आ आकु मोर स्वप्न उत्तराखंड रे जो हमर 38 नेशनल गेम होउ छी सेथिरे मु खेलबा पई चाहू छी आ निश्चय खेल कि मु आकु बढ़िबी आ देश रो ना करबी एतकी मो भरोसा भरोसा छै मो नाम होउ छी अभिषेक कुमार गुप्ता जनरल सेक्रेटरी पंचक सिलाट एसोसिएशन नेशनल कोच इंटरनेशनल रेफरी एबे आपन को पिला माने जीति के आछथि मेडल को केते खुशी होछथि खुशी तो बहुत अच्छे आम टोटल एठ बडबिल रु 11 पार्टिसिपेट्स करते प्लेयर सेटार 5टा गर्ल्स और 6टा बॉयज पार्टिसिपेट्स करते सेटार 2टा गोल्ड मेडल 2टा सिल्वर मेडल और 3टा ब्रॉन्ज मेडल अचीवमेंट होगी आगु को कौन रही आगु को एबे प्लानिंग आम रोच आम 4टा पिला एबे सिलेक्शन होती 2टा गर्ल्स एंड 2टा बॉयज आउ आम प्लानिंग होती कि ये पिला माने एबे नेक्स्ट जे किड्स यूनिवर्सिटी रे नेशनल गेम अच्छे सेटार माने क्वालिफाई करछन्ती आर आम आशा करछु ये पिला आम जाइकिना सेटु गोल्ड मेडल अचीवमेंट करंतु आउ एबे आम 38 नेशनल गेम अच्छे जेडो कि देहरादून रे आमर पूरा आशा अच्छे कि ये पिला माने सेटु क्वालिफाई करबे नेशनल रे आउ ए माने नेशनल गेम 38 नेशनल गेम रे जाइकिना पार्टिसिपेट्स करबे आउ नेशनल मेडल अचीवमेंट करबे माने मेरा नाम सुभाषीष बनर्जी और हम डिस्ट्रिक्ट पंचक सिलाट स्पोर्ट्स एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। क्या बोलेंगे हर साल आपका स्टूडेंट लोग मेडल जीत के आ रहा है अभी भी फिलहाल जीत के आया है क्या बताएंगे इसके बारे में? उसके लिए तो पहले हम लोग का जो एसोसिएशन का जो जनरल सेक्रेटरी है थापा सर उनको हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग का बच्चा लोग उनको टोटल उड़ीसा का बच्चा लोग उनका इतना सारा मौका इतना सारा अपॉर्चुनिटी दे रहे कि हम लोग खेल पा रहे हर साल 4-5 प्रोग्राम अरेंज भी हो रहा है और सबसे बड़ा चीज़ है कि इस साल हम लोग का जो नेशनल गेम होने वाला है जो हम लोग का पहले कभी नहीं हुआ फर्स्ट टाइम हम लोग का उड़ीसा में किट कॉलेज में भुवनेश्वर में होने वाला है तो उसमें हम लोगों का प्लेयर लोग जाएगा 60 टोटल इस बार 64 प्लेयर हम लोग का जा रहे हैं वहाँ पर खेलने के लिए और आशा भी करता हूँ कि उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेडल अचीवमेंट भी हम लोग का ही होगा उड़ीसा का ही होगा और फ्यूचर में हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का बच्चा लोग उनका अच्छा एक फ्यूचर मिले क्योंकि ये जो गेम है ये गवर्नमेंट गेम है और इसमें अपॉर्चुनिटी इतना है कि अगर कोई खेलेगा ठीक से खेलेगा और अगर अचीवमेंट भी करेगा गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल तो आगे इनका फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा। तो स्कॉलरशिप का ऑलरेडी पहले भी स्कॉलरशिप मिला है और इस बार भी स्कॉलरशिप दोबारा मिलेगा
नौकरी भी इसमें चांसेस है कि नौकरी भी मिलता है। तो यही चाह रहा हूँ कि बच्चे लोग कौन खेले, और थापा सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अभिषेक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी सबको दे रहे और अच्छा से सिखा रहे। तो बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि फ्यूचर में ये लोग खेले और आगे बढ़े और बड़बिल सुबह बड़बिल नहीं उड़ीसा नहीं देश का नाम रोशन करें।